तो ये गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। ये ओरिजिनल भौजी हैं जो कि यहाँ पे माँ नाश्ता पानी लगाए। बनी भाभी कैसी हो आप? बढ़िया मस्त मजा आ रहा है। तो भाभी यहाँ पे नाश्ता पानी सबके लिए लगा रही है। इतना कैमरा हो गया है इनके मामा क्या बना रहे भाजी? भाजी यहाँ पे कोई चीज किसी को बताने गाइस गुन्ना शाम को भी नहा लिया है, सुबह भी नहाया है, शाम को भी नहा रहा है। अरे 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 मेरा क्यूटी पाई, अरे मेरा क्यूटी पाई। तो अभी हम लोग बैठे हुए गाइस, ये लाइट मेरे को लग रहा दोपहर 1 बजे से कटी हुई है। शाम के 6 बज गए लाइट। एक बार सबने बाहर निकले रूम से आकर बहुत देर से यहाँ पे आज कड़क अदरक वाली चाय बनाई हूँ। नमकीन किसमें बता रही थी? मुझे दूसरे वाले में चाय देना, बड़ा वाला है। कौन दूसरा? महाकाली बिस्किट भी निकाल दीजिए। नहीं नहीं यहाँ बिल्कुल हवा ही नहीं लग रहा है। इसमें तो बहुत गर्मी लगती है। शाम की चाय बन के तैयार हो गई है। मिक्सर वाह जी, कश्मीरी मिक्सर। 10 रुपया मंगावा थे। पैकेट मंगा लिया? पैकेट मंगा ली ना। पहले भाई को नहीं क्या? ये भाई का गिरावट पड़ा हुआ था। अरे रोटी चौक बनाए रहे था ना। आज बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे पूरी सब्जी सब छनैया हो गए। विनय कह रहा कि मैं बनाऊंगा सबके लिए सब्जी। विनय किसी सब्जी बनाओगे आज? मैं सब्जी बनाऊंगा आज बढ़िया से एकदम, आलू मटर पनीर। आलू मटर पनीर, क्योंकि आज सोनाक्षी का बर्थडे है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, गेस्ट लोग खाने के लिए। जा नमकीन लेके आ महाकाली दौड़ के लेके। महाकाली बेकार आता है यार। अरे जॉन भी मिले लेकिन यादव अच्छा लगता है। महाकाली अच्छा, महाकाली ही है। अब सोनाक्षी का बर्थडे है तो सब इतने लोग आएंगे तो अंदर नहीं बन सकता ना किचन में। बनाने वाले नहा लेंगे, खाने वाले नहाएंगे, बनाने वाले नहाएंगे। हम लोगों के साथ ऐसा होता है, करने अच्छा जाए तो लोगों को अगर कोई भी कमी नहीं निकलेगी ना तो कमी नहीं निकलने भी कमी निकाल देंगे उनको। कितना भी आप अच्छा दिखा लो, कितना भी आप अच्छा कर लो, तो अच्छाई हमेशा छुपने लगती है लोगों के गलत कमेंट से। हम लोगों ने अपने जो भी हमारे से शौक बना, जो भी हमने किया, और किट्टो कभी नहीं मना करती किसी चीज़ के लिए। मुझे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने परिवार में ही देखते होंगे कि कोई भाई अगर किसी बहन के लिए करने जाए तो किसी की वाइफ को दिक्कत होने लगती है, कोई अगर बहन अपने भाई के लिए करने जाए तो उसके पति को दिक्कत होने लगती है। तो ये ह्यूमन नेचर, परिवार में ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं जब भी अपनी बहन के लिए कुछ भी सोचता हूँ किट्टो कभी भी मना नहीं करती है। ऊपर से एक बोलती है ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, आप ये वाला ले लो। तो जैसा कि पता है कि मैंने अपनी दीदी को रिंग दिया और पायल दिया जो कि हमने वीडियोज में इसके पहले नहीं दिखाया था। अक्सर हम लोग वीडियो में और एक ड्रेस दिया, ड्रेस के ऊपर बाद में आएंगे। तो हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई भी किसी को गिफ्ट करते हैं ना, हम लोग पहले एक वीडियो बना के डाल देते हैं। और हम लोग हमेशा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को हर चीज़ क्लियर है। लेकिन अब की बार हम लोगों ने नहीं किया। मैंने किट्टो बोला था वीडियो बना ले, तो किट्टो ने बोला नहीं यार दीदी को सरप्राइज़ क्या रहेगा अगर हम सब कुछ पहले ही दिखा देंगे। तो रक्षाबंधन हम लोग जा रहे हैं, उनको सरप्राइज भी तो होना चाहिए ना कि हम लोग क्या दे रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो शूट किया है। इवन भाभी को भी सिर्फ इसने ड्रेस दिखाया था, बाकी और चीज़ें उन्होंने इसने नहीं दिखाया था। लेकिन तो, मैं शॉपिंग करके आई थी तो वंदना दी उनको कॉल की थी, तो मैंने रात में वीडियो कॉल करके उनको साथ, तुम लोग भी कॉल पे थे, सारा कॉल पे दिखाए थे, सारे अनबॉक्सिंग करके दिखाए थे मैंने एक एक चीज। तो अभी जो भी इल्जाम लगे हैं उन सारी चीज़ों को मैं सबूत दूंगा और उस चीज़ों को क्लियर करूंगा।
देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग दीदी को इतना प्यार मान सम्मान गए कह दीदी की यहाँ दीदी ने हमको अपने मन से अपने शौक से दी अपने मन से। अगर किसी को लगता है भाई दिखावा है तो ठीक है भाई मैं अपनी बहन को देता हूँ, तो अगर किसी को दिखावा लग रहा है तो भाई लगने दो, मेरा शौक है मैं देता हूँ, जब नहीं था तो नहीं देता था, जब होता है तो देता हूँ, जब नहीं होता तो नहीं देता हूँ। क्यों गिट्टो? जब भगवान मुझे जिस टाइम देते हैं मुझे लगता है कि नहीं मैं अपनी बहन को दे सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ खुश कर सकता हूँ, मैं देता हूँ। और उनको इसमें भी खुशी नहीं रहती, उनको ये रहता कि भाई तुम लोग आ गए हो ना वही मेरे लिए बहुत, लेकिन मैं मुझे लगता है कि नहीं भगवान ने उनके ही आशीर्वाद से उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। कि मतलब सोशल मीडिया पे एक चीज ये भी बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों का सोच इतना घटिया है, किसी को दो तो भी गलत, जो किसी को ना दो तो भी गलत, और अगर दिखा दो तो सो बाजी, ना दिखाओ तो तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ बताया, अगर मैं बता भी दूं तो क्या जताना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इंसान कैसे अपने आप को प्रेजेंट। और आज मेरे पास एक बहुत अच्छी बात क्या है ना, जो भी हमने गिफ्ट लिया था जिसकी वजह से इल्जाम लग रहा है, वो किट्टो वीडियो कॉल पे भाभी थी और दीपक भाई लोग थे, पूनम दीदी थी, मम्मी थी इनकी, तो उस दिन हम लोग शॉपिंग करके आए थे तो वीडियो कॉल पे लोग दिखा रहे थे, मतलब कि उन लोगों को बोला क्या क्या लियो दिखाओ हमको, तो दिखा रहे थे बाबू के लिए एड्रेस लिया, सोनाक्षी के लिए एड्रेस लिया, मैंने अपने लिए एड्रेस लिया, और दीदी के लिए मतलब ननद जी के लिए मैंने ये लिया, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब शूट कर रहा था, मैं सोचा था ब्लॉग में डालूंगा, और मैं ब्लॉग डाला ही नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी ज़्यादा कंटेंट थे तो मैंने उसको डाला ही नहीं, और मैं अक्सर वीडियोज़ को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन वो वाला वीडियो मेरे फ़ोन के अंदर रह गया। तो आज जब इल्ज़ाम लगाना तो सच्चाई सामने आ गई। तो बात हम इस मुद्दे पे करेंगे, आप लोग सोचो अमित भैया क्यों घुमा रहे हो, मेन पॉइंट में आते हैं, मैं कमेंट लगा दूंगा आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट आ रहा है कि किट्टो ने और अमित ने जो निक्कू सुमित के यहाँ से जो ड्रेस मिला था, जो उसके उनके गृह प्रवेश में उनकी मम्मी ने दिया था, किट्टो ने अपनी ननद को चिपका दिया, और ये एक बार कमेंट नहीं आया, ऐसे कमेंट्स बहुत बार आते हैं, जब हम किसी के यहाँ फंक्शन में जाते हैं कोई गिफ्ट करते हैं ना, तो लोगों के यही कमेंट आते हैं इसके बेटे के बर्थडे में ड्रेस मिला था तो इसने ड्रेस दे दिया। हालांकि ऐसे कभी नहीं हुआ है, हम लोग जा कर के अक्सर ड्रेसेस खरीद के लाए हैं और दिए हैं, कभी कभी ऐसा सेम रहा है कि मेरा बेटा जो ड्रेस पहनता है ना मुझे वो ड्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है तो मैं सेम ड्रेस ले, ऐसा मेरे जिया सासू के साथ हुआ था, मेरा बेटा जो ड्रेस पहनता था ना मुझे वो ड्रेस की क्वालिटी और वो बहुत अच्छा लगा था, अंकुश भाई के भी मैं सेम ड्रेस जा कर के खरीद उसी मतलब विशाल मेगा मार्ट से और लोकल मार्केट जहाँ मेरी जहाँ से मैं लेता हूँ अपने बेटे के लिए भी मैं वही ड्रेस ले जाकर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा बेटा पहनता है ना मुझे उसकी क्वालिटी के बारे में पता रहता है, मुझे लगता है नहीं यार, और उनको लगता है कि मैंने सेम ड्रेस उठा के दिया, भाई मेरा बेटा अभी भी वो ड्रेस पहनता है, आप लोग वीडियोज में देखा करिए, मेरा बेटा आज भी वो ड्रेस पहनता है जो मैंने लोगों को दिया हुआ है गिफ्ट, तो ऐसा नहीं मैं सेम, और एक चीज के 10 कपड़े मिलते हैं भाई, तो मैं अपने बेटे का ड्रेस किसी को नहीं देती हूं ना, और ना हमारे में कहा जाता है कि उसका ड्रेस क्या है। चलिए रही बात निक्कू सुमित के मम्मी ने जो ड्रेस दिया था किट्टो को, वो ड्रेस किट्टो ने चिपका दिया, तो मैं उसका वीडियो लगा देता हूँ, और जब मैं वो ड्रेस खरीद रहा था लाजपत नगर से तो भी मैंने ब्लॉग बनाया था, तो आके खोल के ब्लॉग देख लिया करो भाई, मैं इसका फोटो भी क्लिक कर दूंगी, मतलब वीडियो का क्लिप है, ऐसे एरो बनाकर कि देखिए सेम वही है कि कुछ और है, और उसके बाद जो वीडियो कॉल में मैंने वंदना दी को दिखाया था जिस झोले से निकाल के दिखाया था कि ये वही है कि कुछ और वही झोला हमने सेम जाकर के दीदी को दिया हुआ है, और उसमें उस सूट में ना उसका वो भी लगा हुआ है, ब्रांड का स्टिकर भी लगा हुआ है नारंग कुछ कुछ करके, अगर आपको उस क्या नाम है तो पहले चलिए मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ वो वाली जो हमने खरीदा था और जो उसने वीडियो कॉल पे दिखाई थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जब लाजपत नगर गए थे, ये ब्लॉग हमने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, जो दीदी को ड्रेस दिया ना ये जो ब्लू कलर का किट्टो ड्रेस देख रही है इसके नीचे है, तो हमने पहले बहुत ढेर सारे ड्रेसेस देखे थे, फिर उसके बाद दो ड्रेस हमने फाइनल किया था, उस ड्रेस दो ड्रेस में से ये वाला जो ड्रेस आप लोगों को दिख रहा है किट्टो का हाथ जहाँ पे, ये वाला ड्रेस हमने फाइनल करके दीदी के लिए लिया है, और आप लोग मैच भी कर सकते हो। उसके बाद ये उस दिन का वीडियो है जब वीडियो कॉल आया था और किट्टो बाबू के ड्रेसेस दिखा रही थी वीडियो कॉल पर भाभी को और मम्मी को और दीपक भाई लोगों को कि बाबू को लिए मैंने ये ड्रेस पहन रखा है, बाबू जब मुंबई जाएगा तो मैं ये ड्रेस पहनाऊंगी। उसके बाद एक एक करके सारे ड्रेसेस को दिखाती है, और आप लोग देखिए कि इसमें ननद जी के लिए भी बात हुई थी कि ननद जी के लिए कौन सा ड्रेस लिया है, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप उस दिन के वीडियोज़ को देख लो। और कहाँ है कपड़ा इसका, तीन ये हो गया, और कहाँ है, अच्छा लग रहा था बक गिरे नहीं है,
यहाँ आप देखिए सेम थैला है जिस थैले से हमने दीदी के लिए गिफ्ट दिया वही सेम दुकान से हमने लिया था। ऐसे ही खोलो ना खोला थोड़ी ना। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने अपना मसाला मिर्ची लेकर के आए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, निक्कु सुमित को टैग किया या कुछ। निक्कु को तो पता है भाई ये वो ड्रेस है नहीं। रही बात निक्कु सुमित का, यहाँ से साजू ड्रेस मिला था, हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली, मैं आपको दिखा दूंगी, वो भी दिखा दूंगा, और फिर निक्कु से पूछ मेरे पास भी है, हम भी दिखा देंगे, लेकिन हम और एक्चुअली क्या है कि अब बात इस मुद्दे पे आ जाएगी भाई, निक्कु के यहाँ से जो गिफ्ट मिला था आप लोगों ने अनबॉक्सिंग नहीं किया भाई, हमें उस टाइम जरूरत नहीं लगा क्योंकि हमारे घर बैक टू बैक लोग थे, तो होता ना जब आदमी के पास, उसके बाद हम लोग चले गए श्रीनगर और हमने तो बताया भी नहीं था कि सूट वगैरह मिला, मैंने तो कुछ बताया, हमने तो कुछ भी नहीं बताया क्या मिला, मैंने कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आज क्या लगे सूट मिला था, कपड़े का सूट मिला और बहुत अच्छा वो भी जैसे। दूसरी बात क्या है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, ये लोग कुछ ही बोल देते किट वार। और रही बात अगर मेरे घर पे जो कुछ भी है अगर वो फ्रेश है, अगर मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किसी को गिफ्ट के पर्पस अगर किसी को नहीं दे रही हूँ तो इसमें गलत क्या? एक कमेंट और भी आया, प्रमोशन में मिली हुई राखी को किट्टू ने अपने भाइयों को बांध दिया। अरे भाई कब प्रमोशन में, अगर राखी आ रखी तो कोई फ्री की राखी है, वो सामान नहीं है, वो राखी नहीं है। राखी क्या, मैं उस लायक हूँ कि वो मुझे भेज रही है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स बनाते हैं, फ्री में नहीं आता है वो, फ्री में नहीं आता है वो, भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मेरे पास वो चीज आ। और ये भी कमेंट, अगर राखी मेरे पास आया है राखी बांधने के ही लिए आया था प्रमोशन के लिए कि अपने भाइयों को राखी बांधिएगा इसी राखी से, इसलिए मैंने रखी, तो मुझे क्या जरूरत है? क्या मैं जा करके मार्केट में जाके खरीद के लाकर के राखी बांधूंगा तो उस राखी की कीमत होगी क्या? अगर मेरे पास राखी कोई चीज प्रमोशन के लिए आया, किसी भी चीज के लिए आया, अगर मैं वो अपने भाइयों को बांधी क्या वो राखी नहीं है? क्या राखी सिर्फ बांधने से या किसी चीज से राखी होती है? राखी होती है प्यार से, स्नेह से, आपसी सम्मान से होती है राखी। राखी सिर्फ कलाई पे कोई धागा बांधने से राखी नहीं होती है। राखी जब कोई आपको कोई धागा बांधता है तो आप उसकी इज्जत करते हैं, उस सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई कितना महंगा महंगा राखी खरीद लेता है, मैं एक बात कह रही हूँ, बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे राखी खरीद लेते हैं। चलो मेरा प्रमोशन कहीं था, कोई बात नहीं, प्रमोशन का था क्योंकि हमको भगवान ने उस लायक बनाया था कि मेरे पास वो चीज आया था। और कितना कोई छुपा के नहीं गया, ये बोला भी था भाई, यार मैं यही राखी लेके जाने में भाई, अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता मेरे पास नहीं, मैं बहुत ज्यादा बढ़ गई करती तो मैं बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल सकती थी, नहीं नहीं, लेकिन मैंने जो चीज था वही चलता है। और लोग इतने महंगे महंगे राखी पहनते हैं तो कौन सा 10 दिन तक बांध के रखते हैं, कोई भी रखते हैं 2 दिन, मतलब एक तो होता है चलो बहन भाई का प्यार है, चलो कुछ अपने आप निकल जाते हैं, कुछ आदमी फिर पहने रखता है। उसमें भोले बाबा का बना हुआ था तो भोले बाबा वाला भाई को बना दिए थे, और जो छोटा छोटा उसमें बना हुआ था, अरे चांदी का है तो जताना क्या चाहती हो, खरीद के दे देती तो भाई खरीद के ही था वो, उसको भी कोई पैसे का था, फ्री में नहीं आता है, भेजती है किसी और के पास तो नहीं भेजती कि हाँ चलो, और मतलब कि जो भी अरे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं उन लोग के पास भी, वो भी किसी उन लोगों को भगवान ने उस लायक बनाया तो भी सबके पास जाता है। तो जब भी कोई कमेंट करते हो पहले स्टडी कर लिया करो, प्रॉपर हमारे ब्लॉग्स को देख लिया करो, ठीक है, ऐसे आकर। और ये एक बार इल्जाम नहीं लगा, ऐसे हमारे बीच बहुत क्रिएटर से लड़ाई भी लगवाने की कोशिश की गई है पहले भी कि किट्टो ने अपने पास रखी हुई सामान तुमको चिपका दिया। अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर कोई चीज़ आई है, सपोज जब मेरे पास मान लो ये रुमाल आया है, मुझे लगता है मेरे पास ये रुमाल गिफ्ट आया, मेरे पास ऐसे 10 रुमाल और रुक जाओ, मेरे पास ऐसे 10 रुमाल ऑलरेडी हैं, तो मैं अगर मुझे लगेगा ये रुमाल किसी और के काम में आ सकता है, मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा भाई, मैं क्यों रखूंगा अपने पास? तो मुझे लगता है इसमें कोई भी गलत बात है। मेरे पास ये ड्रेस है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इससे 5 ड्रेसेज हैं, और कोई मुझे और गिफ्ट कर देता है 6 हो गए मेरे पास ड्रेस, मुझे लगता है नहीं मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको नहीं पहनूंगा। अगर मुझे लगता है कि किसी के यहाँ कोई चीज़ है तो मैं उसको गिफ्ट करना चाहूँगा, मैं कर सकता हूँ। चलो मैं अपने पास जो भी प्रमोशन का चीज जो भी रहता है मैं तो किसी को देती हूँ, और तो कोई किसी को देता ही नहीं, बेचती तो नहीं हूँ ना, बेचती तो नहीं ना, पैसे से बेचू मैं कि आपको पैसे दूंगी तो भी मैं आपको दूंगी, पैसे से नहीं देती ना, मैं अपने मन से सम्मान से मैं बहुत खुशी के साथ किसी को भी देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ कि मन में थोड़ा सा कपटपन भी रहे कि यार दूं कि ना दूं, भाई ये भी रहे वो भी रहे, ऐसी चीज मेरे मन ऊपर वाला जानता है और आप सब लोग जानते हैं कि भाई किट्टो के पास इतनी कोलोबेशन की चीजें आती है, एक भी चीज हमने आज तक बिची ने हमने गिव अवे भी किया हुआ है, हमने परिवार वालों को भी दिया हुआ है, और हमने बहुत सारे गरीब लोगों को भी बांटा है, बहुत बार हमने वीडियोस बनाई है, बहुत बार हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं, बोलते हैं कि आप भी अपने कपड़ों को सेल किया करो, सेल करने के लिए बहुत सारे लोग मुझे कमला की रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि मैं किसी को सिखाऊं। अभी मैंने ऑरेंज कलर की एक साड़ी पहनी थी, निक्कू ने भी पहना था, तो उसमें भी इतने सारे कमेंट आए, तुमने तो निक्कू का मांग के पहना है, निक्कू भी पहनी थी तुम भी वही पहन ली, अरे भाई
भाई हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो हम लोगों को आता है, क्योंकि अगर मैं वो भी हैं हम भी हैं उनके पास भी आता है, मेरे पास भी आता है, हर लोगों के पास आता है। तो ये चीज़ ना करो कि आप उनके, अगर हम उनका मांग के पहन लिए तो आप क्या करोगे। हाँ वाह, क्या बोलते हैं जी को हमने पहन दिया, अभी किसी ने दी थी हमने किसी किसी का दे दिया, किसी जो रिंग दिया अभी किसी ने दी थी हमने दे दिया, ठीक है ना। मेरी बहन खुश है ना, बात ही खत्म हो गई, चाहे मैंने किसी का लिया हुआ दिया बात, ठीक है। बाकी जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, उस कमेंट को लाइक करने के बाद उसमें आके 10-20 लोग जो और कुत्ते पंचायत करती है ना, पहले स्टडी कर लिया करो, स्टडी कर लिया करो, स्टडी कर लिया करो, फिर आकर कमेंट किया करो। चलो बोले बाबा मेरी लाइट दे दी, सच बोला है हमने, सच बोला है। उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे हमारे ब्लॉग में कभी भी झूठा चीज नहीं आता है, जो भी आता है हमारी फैमिली से रिलेटेड जिसका भी ब्लॉग आता है ना, सब लोग अपना रियलिटी शो दिखाते हैं और कुछ भी फेक नहीं रहता है कि नहीं, कि कोई भी किसी के मन में ये चीज कि यार मैं ऐसे करूंगी तो ऐसे चीज दिखेगा, ऐसे करूंगी तो ऐसे चीज लोग जज करेंगे। नहीं, जो चीज सही है भाई हमने दिया है तो फिर है, तो उसमें ये बोलने वाली और कटवाने वाली, और जाएंगे दिल्ली में दिखा देंगे निक्कू के यहाँ से क्या एड्रेस आया था, ठीक है ना। और हमने सबूत साथ दिखा दे भाई, एड्रेस हमने दुकान से लिया था और वो दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने निक्कू कभी लिया हुआ गिफ्ट अगर दिया अपनी बहन को, भाई मेरी बहन को पसंद आ रहा है पहनेंगी ना वो, बात कर दूंगी, उसमें क्या दिक्कत है किसी को भाई, वो फ्रेश है ना, ऐसा तो नहीं यूज किया हुआ दे रहा है, तो आग लगाना बंद करो। चाहे मैं यूज किया हुआ दूं, चाहे मैं जैसे भी दूं, दे रहे हैं ना, दिल तो है ना देने का, यहाँ तो कोई देता ही नहीं है। बहुत सारी बहनें गई थी राखी बांधने के लिए, बहुत सारी बहनें जाती राखी बांधने के लिए, हर के बताओ कितना पा जाते हो, कितने लोग कितना पा जाते हो बताओ। हम लोग अपने मन से, हम लोग जो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है ना भाई, मैं क्या ही बोलूं, लेकिन ठीक है, जिस जिस भाई की इच्छा होती देता, जिस भाई की नहीं होती नहीं देता। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको सम्मान ही नहीं मिलता है, बेचारी राखी नहीं बांधता, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। मैं हमारी बहन के यहाँ सम्मान मिल रहा है, हमें सम्मान मिला, हमको सम्मान देने में आगे बढ़ रहे हैं, इसी शब्दों से चलो वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो खड़ूस टाइप के लोग हैं जो हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमी निकालने की कोशिश करते हैं, और मेरे लिए, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना तब से मेरे लिए बहुत भला बुरा कमेंट आ रहा है, तो पर कोई बात नहीं, आप लोग उसका भी कल जवाब देंगे, जवाब दे देंगे, अभी यहाँ तक रखते हैं, जो भी आप लोग को बोलना है मेरे लिए ना दिल खोल के बोल लीजिए, और जब मैं जवाब दूंगी तो आप लोग को भी बुरा नहीं।